नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अप्पम, और ये जो अप्पम हम बनाने वाले हैं वो मूंग की दाल से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी मूंग की दाल कल रात को पानी में भिगा दी थी, करीब करीब 7 से 8 घंटे ये अच्छे से भीग गई है, और इसका पानी मैंने छन्नी पे डाल के निकाल लिया है। आप देख सकते हो, अगर मैं उंगली पे लेके इसे मोड़ू तो ये 2 टुकड़े में टूट रही है। इसका मतलब ये मूंग की दाल अच्छे से भीग गई है। मैंने यहाँ पे दही लिया है, ये एक कटोरी मूंग की दाल है, तो यहाँ पे 1/4 कप दही लिया है मैंने, 1/4 कप सूजी ली है। ये एक मीडियम साइज का प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन की पेस्ट ली है मैंने यहाँ पे। हल्दी है, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। यहाँ पे राई है, जीरा, हिंग, नमक, मिर्ची, 2 मिर्ची ली है मैंने, और ये है 4 से 5 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने उबाल के कद्दूकस करके लिया है, और पानी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैटर की तैयारी करते हैं। तो बैटर के लिए मुझे क्या लगने वाला है, तो मूंग की दाल, दही और सूजी। तो अब मैं मूंग की दाल पहले मिक्सर के बर्तन में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है, सूजी जो मैंने ली थी वो सूजी मैंने यहाँ पे डाल दी है, दही डाला है 1/4 कप, ये जो हरी मिर्च मैंने ली थी ये मैंने डाल दी है इसमें, नमक डाल दिया है, थोड़ा नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, नमक जब जरूरत पड़े तो हम ऊपर से और डाल सकते हैं, और 1 चम्मच के करीब करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। हमें ज्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसका हमें एकदम पतला घोल नहीं बनाना है। जो बैटर हम बनाने वाले हैं वो पतला नहीं चाहिए। इडली और ढोकले के लिए या डोसे के लिए जो हम बैटर बनाते हैं उसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें यहाँ पे मूंग की दाल का बनाना है। तो इन सारी चीजों को अब मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बैटर है ये मैंने रेडी कर लिया है, और ये देखिए ये मैंने सॉफ्ट बैटर पीस लिया है। इसमें पानी मैंने ज्यादा नहीं डाला है, जो भी हमने दही डाला हुआ था और 1 चम्मच पानी डाला हुआ था और भीगी हुई मूंग दाल थी, इसी में वो मूंग दाल पीस चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बैटर है ये रेडी हो गया है। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से ऐसे हिला रही हूँ। जितना आप मूंग की दाल की बैटर को हिलाओगे, जितना ही आप इसको मिक्स करोगे, उतना ये अंदर से सॉफ्ट होता है और हल्का होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ढोकला बना रहे हो इससे, या आप इडली बना रहे हो, या कोई भी चीज़ आप मूंग की दाल से बना रहे हो, तभी जो बैटर आप रेडी करते हो तो उसे आप ऐसे अगर मिक्स करते रहेंगे लगातार, तो इसमें एक एयर फॉर्म हो जाती है, और उस एयर के वजह से ये बहुत फ्लफी और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो बेकिंग सोडा है ये मैं इसमें डालने वाली हूँ, 1/2 चम्मच। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा नमक मैं और यहाँ पर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा डालने के बाद जैसे ही मैंने इसको मिक्स करने स्टार्ट कर दिया, तो ये जो आटा है, बैटर है, ये फूलना शुरू हो चुका है, ये देखिए। अब इसे हम ऐसे ही ढक के एक 5 मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं। जब तक हमारा बैटर 5 मिनट तक रेस्ट कर रहा है, तब तक हम उसके अंदर की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन को गैस पे चढ़ा दिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम रख दिया है, और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसमें हम राई, जीरा और हिंग का तड़का लगाएंगे। तेल अभी गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं ये तड़के की सारी सामग्री इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने राई डाल दी है। राई चटकने के बाद हम इसमें जीरा और हींग डाल देंगे। जीरा और हींग भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, चटक गए हैं। अब इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो अदरक और लहसुन की पेस्ट ये मैं इसमें डालने वाली हूँ। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अभी फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो रखा है, क्योंकि जब अदरक और लहसुन की पेस्ट हम यहाँ पे तेल में डालते हैं ना, तो उसके छींटे उड़ते हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका कच्चापन जाने तक हमें इसको भूनना है इस तेल में। यहाँ पे अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल गया है। अब ये जो प्याज है ये मैं इसमें डालने वाली हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और इसका कलर नहीं बदले, तब तक हमें इसको भूनना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालने के वजह से प्याज जो है वो हमारा जल्दी पक जाएगा। तो एक बार मैं वापस इसे चला लेती हूँ, और अब इस प्याज को मैं भून लेती हूँ अच्छे से। आप देख सकते हैं कि नमक डालने के वजह से प्याज अच्छे से पक गया है,
और इसका कलर भी बदल गया है और ये ट्रांसपेरेंट भी दिखना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे मैं हल्दी डालने वाली हूँ, ये जो हल्दी पाउडर है ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हल्दी इसमें मिक्स हो चुकी है, ये जो आलू लिए हैं मैंने कद्दूकस करके ये मैं इसमें डाल देने वाली हूँ और इन आलू को हमें ये सारे मसाले में मिक्स करना है। ऐसे मैश करते करते और चलाते हुए ही हमें इसे मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आलू को इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी जो ये सब्जी है आलू की ये रेडी हो चुकी है। तो ये फिलिंग हमने तैयार कर दिया है अप्पम में डालने के लिए। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अप्पम के पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, तेल थोड़ा इसमें हमें ज़्यादा ही लगेगा। इस तेल को हमें गर्म होने देना है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक एक साइड पे ये जो बैटर है ये मैं वापस एक बार चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और फ्लफ़ी भी हो गया है और ये फूल भी गया है। मैंने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रख दिया है। तो अब हम पहला थोड़ा डाल के देखते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा बैटर डाल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है। अब ये जो सब्जी हमने बनाई हुई है इसको मैं ऐसे छोटे छोटे इसके बॉल्स रेडी करने हैं हमें, और एक बॉल इसके ऊपर रख देना है और वापस इसके ऊपर हमें बैटर डाल देना है। वापस एक मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे अप्पे रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने सारे अप्पे ऐसे रेडी कर लिए हैं। अब इनको मैं साइड से तेल छोड़ रही हूँ इनके ऊपर और नीचे से ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब मैं इनको टर्न कर लेती हूँ। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे अप्पे रेडी कर लिए हैं और इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर